देखिए हमारी फिल्म जो है वो हमारी फिल्म के जो मेन पात्र हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं परशोत्तम जोशी, वो वाकई ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक सफाई कर्मचारी के ऐसे से काम करते हैं, जो भी जिस मशीन को आपने मुझे देखा जो धुएं से मच्छरों वगैरह को भगाती है उसमें काम करते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू था, सिम्बॉलिक इशू था कि जिसको आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे मंच पर बोला है, राष्ट्रीय मंच पर बोला है, और हम सब लोग इस अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं एक समझदार नागरिक होने के नाते। और आज अच्छा लगा कि 21 तोपों की सलामी में हमने गांधी जी को सलामी दी। गांधी जी के असली गांधी जी ने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई हैं, मगर इतने सालों तक हमें ये बात समझ नहीं आई कि सबसे बेसिक बात थी सफाई की, वो नरेंद्र मोदी जी ने उसका उसकी तरफ पूरे राष्ट्र का ध्यान बटाया है और इसलिए हम यहाँ वी आर फॉर्चुनेट कि ये ऐसा अभियान ऐसी टाइम पे चल रहा है कि हमारी फिल्म रिलीज होने वाली है, और हमें लगा कि ये एक अच्छा अभियान है जिसको हम अपनी तरफ से हमें एक कोशिश करनी चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए। और खेर साहब, नेहा, मनु, हमारे डायरेक्टर रविंद्र गौतम, देवेंदु, ये आज के टाइम में नोन है, इनकी बातों को ज्यादा अहमियत से लिया जाएगा, तो हमें लगा कि इनकी बात की तरफ से भी एक मैसेज जाएगा तो लोगों पे कुछ असर पड़ेगा कि हमारा सिस्टम है, ये शहर हमारा है, हमारा इंडिया है, हम जितना साफ रखें, हम कोई चीप पब्लिसिटी के लिए नहीं आए हैं, हम एक अच्छा काम करना चाहते हैं, हम अपने घरों को जैसे साफ रखते हैं, हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपने शहर और अपने देश को भी साफ रखना चाहते हैं। गांधी जी, मैंने गांधी को नहीं मारा फिल्म में एक बड़ा अच्छा डायलॉग था कि गांधी जी हमारे दिल में बसते हैं, बट ये है कि प्रैक्टिकल जो उन्होंने सीखें हमें दी हैं उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि ये फिल्म इस बात से जुड़ी हुई है, सफाई से जुड़ी हुई है। Everybody has spoken about the film, but it's a very proud association. और बहुत कम ऐसे जो होते हैं, जैसे आपने सवाल पूछा कि यू नो वाई वी आउट देयर, बट आई थिंक हमारा हक बनता है, बिकॉज द फिल्म इज अबाउट द कॉमन मैन, इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स अ ट्रिब्यूट टू द कॉमन मैन। आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर कोई तरीका होगा एज अपोज टू जस्ट कमिंग एंड रियली, लाइक खेर साहब ऑल्सो सेड, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन मैन डूइंग रियली अनकॉमन एंड ब्यूटिफुल थिंग्स for the country. So it's a great day, it's 2nd of October. Having said that, talking about dates, our film is releasing on the 10th of October, so it's pretty close. So we're all together, we're excited and we're doing things that make a difference. प्रेशर तो नहीं है इस, जिस पिक्चर के बनाने के दौरान में हमें बहुत मजा आया है, और बहुत सारी फिल्में होती हैं जिससे हम एज बतौर एक्टर या बतौर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उसके थीम से शायद इतना ज्यादा महसूस नहीं करते कि ये थीम फिल्म बनाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए।